बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद जहूर इंस्ट्रक्टर ई लेटर वैल्यू, आपको इंस्ट्रक्टर ई लेटर वैल्यू क्वोटेशन सीरीज में वेलकम करता है। दोस्तों आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो है पार्ट टू चैप्टर थ्री और उसमें से सेक्शन 12 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज का हम लेक्चर स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने चैप्टर थ्री स्टार्ट किया था और चैप्टर थ्री का पार्ट वन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और उसमें टोटल तीन सेक्शन हमने कवर किए थे, 9, 10 और 11। 9 आपको याद है कि डील कर रहा था टैक्सेबल इनकम के साथ कि कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, क्योंकि जाहिर है हमने टैक्सेबल इनकम के साथ ही यहाँ डील करना है, उसको टैक्स करना है। अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो उसके लिए कोई एक्शन लेना है। जो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट होगी या इस लॉ के अंदर नहीं आएगी तो उसके साथ हमारा कोई खास काम नहीं है। दूसरा ये है कि आपको होना चाहिए टोटल इनकम। अब जो टोटल इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। टोटल इनकम होती है सम ऑफ टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम। मिसाल के तौर पर आपकी ये टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख, लेकिन आपको एग्रीकल्चर से 1.5-2 लाख रुपए उधर से की इनकम आ गए, कोई और की इनकम है जो कि आपका एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो 12 लाख जमा 1.5 लाख क्या हो जाएगा, 13.5 लाख आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, जो कि सेक्शन 10 में हम पढ़ेंगे टोटल इनकम। अब सेक्शन 11 जो है वो डील कर रहा था कि हेड्स ऑफ इनकम। आपको पता है कि टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तीसरा है इनकम सॉरी बिजनेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा है और आखिरी जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज। जो इनकम किसी भी प्रॉपर हेड में नहीं आ रही हो वो क्या चले जाएगी, कहाँ चले जाएगी, वो चले जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज। अब ये जो था पिछला पार्ट था वो तो हो गया कम्प्लीट। अब हम आज वाले चैप्टर पे आ जाते हैं या आज वाले लेक्चर पे आ जाते हैं। आज हमने पढ़ना है सैलरी। आपको पता है कि हेड्स ऑफ इनकम में पहला हेड जो है वो सैलरी का है और ये क्या कहता है ये हम ज़रा देखते हैं। अब एक एम्प्लॉय जो होता है वो कोई भी सैलरी रिसीव करेगा वो उस साल में चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन वो पार्ट इसमें से चार्ज नहीं होगा जो कि एग्जेम्प्ट होगा, वो आपके माइनस कर देंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब सबसेक्शन 2 बता रहा है कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल है, सैलरी इसमें है क्या। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और अ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग। अब कोई भी चीज़ जो कि आप एक एम्प्लॉयमेंट से रिसीव करते हैं, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू हो, कैश की शक्ल में हो या फिर एक कैपिटल नेचर की हो, ठीक है, इन काइंड हो, ये सारी की सारी चीज़ सैलरी में इंक्लूड हो। अब इसका हम सबसेक्शन 2 का क्लास ए पढ़ते हैं, की क्लास ए पढ़ते हैं। एनी पे वेजेस आर अदर रिम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, overtime payment, bonus, commission, fees, gratuity, or work conditions, supplements such as unpleasant or dangerous working. अब सैलरी के अंदर जो भी जिस किस्म के भी अलाउंसेज हैं वो टैक्सेबल होंगे, चाहे वो लीव पे हो गई या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होता है कि जब आप रिटायर हो रहे होते हैं तो जितनी आपकी लीव बची हुई होती है उसको सैलरी में कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाता है। बोनसेज मिलते हैं, ओवर टाइम सैलरी मिलती है, कमीशन की शक्ल में आपको पैसे मिलते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे और ये सैलरी में आएंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्क कंडीशंस होती हैं जो कि मुश्किल होती हैं, टफ होती हैं, उसको हार्ड अलाउंस इस तरीके से हो गया, अनप्लेजेंट वर्क अलाउंस होता है, तो ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। अब इसमें एक कन्फ्यूजन हुई थी कि जो कोर्ट्स के जो एम्प्लॉज थे, चाहे वो लोअर जुडिशरी की या फिर जो है ना हाई कोर्ट्स वगैरह या सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉज थे, जो जजेस साहबान थे, उनको एक जुडिशल अलाउंस मिलता था। इसमें एक कन्फ्यूजन हो गई थी और इसमें एक हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव जवाब नहीं कही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, एक शाह हाई कोर्ट का डिसीजन था कि ये जुडिशल अलाउंस है ये टैक्सेबल नहीं है।
लेकिन फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड डिसीजन दे दिया था कि ये भी अलाउंसेस में आता है और ये टैक्सेबल है। उसके बाद सेक्शन डी, सब सेक्शन सब क्लास डी है, एनी परपोजिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी अर्न नाउ। अब कुछ परपोजिट्स मिलते हैं, आपको गाड़ी मिलती है, आपको ड्राइवर मिलता है, क्वार्टर मिलता है, गमला मिलता है, गोल्फ में गोल्फ क्लब के रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें चाहे मनी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इंक्लूड होंगी सेलिंग में। द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग सब्सिस्टेंस रेंट यूटिलिटीज एजुकेशन एंटरटेनमेंट ट्रैवल अलाउंस बट शैल नॉट बी इंक्लूडेड। बात यह है कि आपका कोई भी अलाउंस इस वजह से होता है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मीट करने के लिए, जैसे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी फीस दी जा रही है, उसके अलावा आपको एक फ्री में घर दिया जा रहा है या हाउस रेंट दिया जा रहा है या और फैसिलिटीज दी गई है, वो आपकी सैलरी में ऐड होंगे, वो पार्ट ऑफ सैलरी है। और लेकिन इसमें से एक चीज़ है प्रोवाइजर जो आपने ज़रा देखना है, इसमें वो अलाउंसेज शामिल नहीं है जो कि आपको दिए गए हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी थे। मिसाल के तौर पर लाहौर में अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी लाहौर में एक मशीन है वो ख़राब हो गई, उन्होंने आपसे कहा कि भाई फ़ौरन यहाँ से निकले वो मशीन ठीक करते हैं, इसके लिए अब आपके जितने एक्सपेंसेस हुए आने जाने को किए जाए के फॉर्म में आपको देंगे, ये भी चीज़ है ये एक्सपेंड नहीं होगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म का जो अलाउंस होता है कि आपकी ड्यूटी नेचर इस तरह है कि वहाँ यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, तो आपके जो एम्प्लॉयर था उसने आपको पैसे दे दिए कि साहब अपनी यूनिफॉर्म प्रिपेयर करें, ये जो है ये इसमें टैक्सेबल नहीं है। और इसको वर्डिंग इस तरह किस तरह है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज और ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसेक्शन डी, सॉरी क्लास में ये है, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉयर दैट इज पेड और रिइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। आगे जरूरी सी देखिए, आपने जो एक्सपेंस किया ठीक है, अब वो जो एक्सपेंडिचर जो था वो आपने एम्प्लॉयर ने या तो पे कर दिया या फिर उसने आपको रिइंबर्स करके दे दिया, ये भी पार्ट ऑफ सैलरी है, ये भी टैक्सेबल है। और लेकिन इसमें यही चीज़ है कि जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं था जो कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की शक्ल में टोटली या सॉलिडली आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी पे एक्सपेंस हुआ था। The amount of any profit in lieu of or in addition to salary, wages, including amount received. कि आपको सैलरी के साथ साथ या उसकी जगह या फिर क्या हो सकता है कि सैलरी और वेजेस, द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, कि सैलरी या वेजेस के जगह या उसके साथ साथ इन एडिशन टू आपको कुछ और अगर इस तरीके से अलाउंसेज मिलते हैं तो वो या कोई पैसे मिलते हैं तो वो भी सैलरी आएंगे। एनी कंसिडरेशन फॉर पर्सन एग्रीमेंट मेंटेन। अब बात ये होती है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उसको एक सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो आपको सैलरी होगी पर मंथ 1 लाख होगी, लेकिन हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए कि आप हमें 3 साल तक नहीं छोड़ के जाएंगे इतने पैसे दे रहे हैं, तो दैट थिंग विल बी पार्ट ऑफ सैलरी। As consideration of an employee's agreement or any conditions of the employment arrangement. अब यहाँ पर इस तरह होता है कि आपके साथ आपके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी जाती है, अब यहाँ पर कंडीशन के अंदर चेंज लाया जाता है, उसकी वजह से जो आपको पैसे मिलते हैं या कोई कंसिड्रेशन वो भी सैलरी में ही टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बदल करेंगे। अब ये इस तरह होता है कि आप एक एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और उसमें से इस तरह होता है कि किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है, चाहे आप खुद छोड़ देते हैं, चाहे वो छोड़नी पड़ जाती है या वो जो वर्क है वो रिडंडेंट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया, वो जो आपकी पोस्ट थी अब उसकी जरूरत नहीं, उस सिलसिले में जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो भी टैक्सेबल होंगे, चाहे गोल्डन हैंड शेक मिले चाहे कोई भी आपका दूसरा नाम इसके लिए। फ्रॉम द प्रोविडेंट और अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज नॉट रीपेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय to the fund in respect of which the employee was not entitled to a deduction. अब बात यह है कि आपने इस तरह किया कि एक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का कुछ लोग शायद ना जानते हो जिनका गवर्नमेंट सर्विस आपकी ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो इस तरह होता है कि आप जब सैलरी ले रहे होते हैं तो सैलरी का एक पार्ट जो होता है वो
10% होता है, 5% होता है या कोई फिक्स अमाउंट हो सकती है, हर महीने आपकी तनख्वाह से काट दी जाती है और एक प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है, वहाँ ये इकट्ठी हो रही होती है और साल के बाद उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता जाता है। तो जब आप रिटायर होते हैं या जब आप छोड़ के जाते हैं तो उस वक्त ये अच्छी अमाउंट भी बन जाती है जो आपको रिटायरमेंट पे या जब भी आप जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं तो उसमें आपका एम्प्लॉयर आपको वापस कर देता है। अब ये जो है ये भी जो है ना इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हो रही है वो भी टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें से वो जो पार्ट होता है जो कि आपकी अपनी तनख्वाह से कटा था वो जो है आपका टैक्सेबल नहीं होगा। साथ ये भी है कि अब आप देखें मेरी सैलरी है एक्सपर्स की 72,000, उसमें से 3,000 रुपये प्रोविडेंट फंड है। अब जब मैं टैक्स लग रहा होता है इसको तो वो पहले ही उस प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड करके टैक्स लग रहा होता है, तो फिर मुझे जब दोबारा से प्रोविडेंट फंड मिलेगा उस पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए पहले मेरी तनख्वाह है 72,000, उसमें प्रोविडेंट फंड कट गया और मतलब माइनस करने के बाद जो है ना अगर जो टैक्स मेरी सैलरी पर टैक्स लग रहा है तो फिर आपको आखिर में टैक्स देना पड़ेगा। Any person or annuity supplement, pension, etc. Annuity ये होते हैं कि सारी जिंदगी अगर आपको एक खास पेमेंट मिलती रहे या आपको पेंशन मिलती रहे, ये भी जो होगी वो पार्ट ऑफ सैलरी होगी। एग्जाम्पल तो इसी कुछ कंडीशन है वो हम आगे जाकर देखेंगे। डायरेक्टली आपने इसको ऐसा नहीं समझना कि पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन आम हालत में यह टैक्सेबल होगा और सैलरी का पार्ट होगा। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सैलरी अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 में जो है ना एक खास किस्म की डेफिनेशन है, अगर उसको किसी सैलरी डिक्लेयर कर दिया, सेक्शन 14 डिक्लेयर कर दिया तो इट विल बी पार्ट ऑफ सैलरी। अब हम सब सेक्शन 3 पे पहुंचे हैं, ये काफ़ी लेंथी किस्म का लेसन है तो आपने ज़रा बोर नहीं होना, ठीक है, इसको आपने कंप्लीट पढ़ना है। वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे टैक्स चार्जेबल टू एन एम्प्लॉयर सैलरी, the amount of employee's income chargeable under the head salary shall be grossed up by the amount of tax payable to the payable by the employer। ये बड़ी अजीब अजीब सी कंडीशन है, इसको टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं कि आपकी फर्ज कीजिए कि सैलरी बन रही है 12 लाख साल की, 12 लाख पे आपका जो टैक्स बन रहा था वो 50,000। अब आपका एम्प्लॉयर कहता है कि ठीक है आपको मैं टैक्स फ्री सैलरी दूंगा, यानी कि आपको मैं 12 लाख ही दूंगा, आपका जो टैक्स बनेगा नहीं, आपका जो टैक्स बनेगा वो 50,000 है जो गवर्नमेंट में वैसे ही मैंने जमा करवाया है, इस तरह कर लेते हैं हम आपकी सैलरी रख लेते हैं 11.5 लाख और 50,000 में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, या इस तरह भी नहीं करता आपकी 12 लाख इनकम की उसको 50,000 का जो टैक्स बन रहा था वो आपके एम्प्लॉयर में पे कर दें, तो अब आपकी जो सैलरी होगी वो 12 लाख नहीं रहेगी क्योंकि आपका जो टैक्स है वो भी आपके एम्प्लॉयर ने पे किया, आपको जैसे बर्थडेट मिला या आपको अलाउंस मिला, तो अब आपकी जो सैलरी होगी 12 लाख प्लस जितना के एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स पे किया दैट विल बी 12,50,000। इसको अगर आप दो पढ़ेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाता है। इसके रेशनल क्या है इसमें आप डिटेल से देख सकते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी ये ऐसे ही है। सबसेक्शन 4, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन डिराइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट इनकम कॉन्सेप्ट। जो आप बिजनेस का आपने आगे जाके देखेंगे ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक बिजनेसमैन है तो वो जब इनकम अर्न कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, वो जिस दुकान के अंदर कारोबार रन कर रहा होता है उसका किराया भी अलग होता है, बिजली का बिल आता है तो वो भी कारोबार के एक्सपेंसिस की शक्ल में माइनस करता है, गाड़ी रखते हुए तो उसका खर्च भी उसको अलग है, लेकिन एक एम्प्लॉई है वो सैलरी से इनकम अर्न कर रहा है उसको किसी किस्म की डिडक्शन अलाउ नहीं है। ये नहीं है कि भाई आपके ये जो वर्क एरिया है वो आपसे जो है 10 किलोमीटर दूर है तो रोजाना आपका 100 रुपये किराया लगता है तो आप इस तरह करें कि एक महीने में आपका 3,000 रुपये किराए की शक्ल में खर्च हुआ तो आप टोटल इनकम में से ये माइनस करें। नो डिडक्शन इज अलाउड टू सैलरी पर्सन ऑन सैलरी इनकम। और फिर 5, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट आर परपोजिट शैल बी ट्रीटेड टू एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द अमाउंट आर परपोजिट इज पेड आर प्रोवाइडेड। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको सैलरी मिल चुकी है या अभी हमने कौन कौन से पढ़ लेते हैं अब तक यहाँ तक हमने 12, 1, 2, 3, 4 और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं 5। फिर कल में लेक्चर काफी लेंथी हो गया है, कितना हो गया लेक्चर 15 मिनट, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है तो अभी हम 4 तक ही इसको स्टॉप कर लेते हैं।
एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बनाऊंगा, थोड़ी देर में बनाऊंगा ताकि आपका लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, आप बोर ना हो। तो फिलहाल हमने क्या पढ़े, टोटल इसके 4 सब सेक्शन पढ़ लिए। सेक्शन 12 जो सेलिंग से डील कर रहा था, क्योंकि ये बड़ा लेंथी सा जो है ना टॉपिक है, हम सिर्फ इसके सब सेक्शन 4 तक पढ़े। बाकी जो सब सेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज़।